है सूर्या। हाँ बोल फिरोज। सुना है आजकल बहुत फोटोग्राफी का शौक चढ़ा है तेरे को, बहुत फोटोग्राफी कर रहा है, कभी हमारा भी एक आध क्लिक कर दे। तू भी तो कम बवंडर नहीं मचा रहा गुवाहाटी में। यो जोगिंदर, तो क्या बोलता है, तू भी आ जा इधर, दोनों भाई मिलकर बवंडर मचाते हैं। व्हाई नॉट, तो डील करते हैं, डील पक्की। चल तो अभी आपने जो इंट्रो देखा, आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने थोड़ा सा नया ट्राई किया है यहाँ पे, सो इंट्रो के लिए तो एक लाइक बनता ही है। और रही बात इस वीडियो की, तो आज उसके बाद वाला दिन है जब मैंने इंट्रो शूट किया था। आपको ऐसा लग रहा होगा बट इंट्रो हमने पहले शूट किया आरी भाई आने के बाद। ये जो दिन है ये मैं पहले शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है बट कन्फ्यूजन को गोली मारी है। अभी आरी भाई आता ही होगा, वो जैसे आते हैं तो एक प्रॉब्लम जो हो रहा है मेरा, मतलब होने वाला है, वो है गोप्रो का। आपको पता होगा कि पीओवी शूट के लिए गोप्रो चाहिए होता है, यहाँ पे लगाना होता है, बट मेरे पास ना ही आरिफ के पास अरे भाई के पास गोप्रो है नहीं। तो हमने सोचा कि किसी से उधारी लेंगे या जुगारी कुछ भी कर लेंगे। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा कि गुवाहाटी में गोप्रो मिलता है, तो अरे भाई आने के बाद गोप्रो वाले को कॉल करेंगे और उसके बाद देखते क्या होता है। अभी चलिए अरे भाई को वेलकम करते हैं। तो लगता है अरे भाई यहां पे आ चुके हैं। अरे भाई 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 वेलकम, थैंक यू, थैंक यू चैनल। थैंक यू भाई, कैसा रहा सफर? बढ़िया था, बढ़िया था। तो गोप्रो का बंदोबस्त करना है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद कॉल लगाते हैं, बंदोबस्त करते हैं। तो अभी हमने सोचा है कि गोप्रो हमको लाइन पे लेना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अभी हमने सोचा कि नहीं यूट्यूब पे लेते हैं, गुवाहाटी पे मिलता है कि नहीं। तो दादा यहाँ पे कुछ वीडियो देख रहे थे, आप कुछ मिला क्या यहाँ पे? मिला यूट्यूब पे, तो यहाँ पे ये बोला कि 300 रुपए में आपको गोप्रो मिल जाता है। 300 रुपए में गोप्रो मिलता है भाई, काफी सही है, फिर देखते हैं। हाँ दादा, मैंने आपका वो यूट्यूब पे मतलब वीडियो देखा, आप गोप्रो रेंट पे देते हो क्या? अच्छा, क्या आप नहीं देते हो? नहीं देते हो तो फिर वीडियो क्यों डाला हुआ? तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि गोप्रो हमको मिला नहीं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। अक्सर हम जैसा सोचते हैं ना करेंगे तो वैसा होता नहीं, यहाँ पे हमको गोप्रो मिला नहीं। तो यहाँ पे मेरा अगर पुराना वर्जन रहता या आप या हम या कोई भी अगर होता तो यहाँ पर आइडिया ड्रॉप कर देता कि नहीं करना, छोड़ो कुछ और करते हैं, मैं ही कर देता। तो मैंने सोचा कि इतना कुछ शूट कर लिया, आइडिया तो ड्रॉप नहीं कर सकता, जो होने वाला था हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना देसी जुगाड़ लगाया जाए, यहाँ पे हम आईफोन को एज ए गोप्रो की तरह यूज करेंगे। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, हमको गोप्रो नहीं मिला। तो गोप्रो नहीं मिलने की वजह से अभी आप जो देख सकते हो वो आईफोन से शूट हो रहा है। एक तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है क्योंकि एक हाथ से हमने आईफोन पकड़ के रखा। आई नो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा गोप्रो जैसा, यहाँ पे नहीं रहेगा। हम करने वाला है चांदमारी ब्रिज के ऊपर से स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग कैसा होता है अभी आप देख ही सकते हो। तो ब्रिज के ऊपर से हमने स्टार्टिंग इसलिए कि आप ये बोल सकते हो यहाँ से एक तो अच्छा व्यू मिलता है ब्रिज के ऊपर से, दूसरा मन किया भाई, क्या कर सकते, मन किया तो किया ना। जितने भी फोटोज में मैं एडिटिंग कर रहे वाला हूँ सबका लक मैं फ्री में देने वाला हूँ, तो आप अगर छोड़ के जाओगे तो आपका ही लॉस है। और हमने सोचा क्यों ना रोड के नीचे जाके भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें किया जाए। और एज यूजुअल मैंने जैसा सोचा था कि रोड के नीचे हमको कंटेंट यानी फोटो मिलने वाला है, तो वो मिल गया, अभी आपको दिखाता हूँ। नॉट ओनली फोटो, हमारा एक आंटी से मुलाकात हुआ जो कि लोकगीत गाता था रेडियो पे, अभी भी गाते हैं। तो उन्होंने बोला, हमको कन्विंस किया, हम जैसे फोटो शूट कर रहे थे ये अंकल का, चाय वाले अंकल का, तो आंटी ने बोला कि मेरा भी एक वीडियो ले ले। आंटी ने काफ़ी प्यारा एक गीत गाया यहाँ पे, आप अगर आसाम में रहते हो और ऐसे में इस कल्चर से बिलोंग करते हो तो ये सॉन्ग आपको जरूर से पसंद आने वाला है। के कॉले बारा
तारा तुम ही है सारा। आर पार करो गुरु के अंगारा आगरे काम प्रधा कुम्भी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। अमीनी ही गाना है मेरे देश की धरती। तो अभी आप बोलिए, ऐसे स्माइल के साथ कोई अगर आपको अप्रोच करे कि मेरा एक वीडियो ले लो, फोटो ले लो, तो आप रोक पाओगे क्या अपने आप को? तो आप जो करते, मैंने भी वही किया, इनका वीडियो और फोटो लिया और उसके बाद हम लेने गए और बाकी सारे चाय के स्टॉल के फोटोज, क्योंकि इनका वीडियो लेते हुआ देखते हुए बाकी लोग भी बोले कि हमारा भी एक आध फोटो ले लो। एक अंकल का जो है अभी आप देख रहे हो, ये तो हमने पहले लिया था और बाकी सब हमने कुछ इस तरीके से लिया। आगे चलते हैं, आगे मतलब सब्जी मंडी है। हाँ। वहाँ पे कुछ बी रोल और स्ट्रीट मिलेगा। अच्छा आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए भाई, जाने तो वाले थे हम सब्जी मंडी, बट एज यू कैन सी ये जगह ने ना हमको रोक लिया। ऐसा नहीं कि हम सब्जी मंडी नहीं गए, थोड़ा सबर रखो थोड़ा, क्योंकि वीडियो जो है ना वो आपके और हमारे इमेजिनेशन से बाहर जाने वाला है। देखिए जरा, पर मेरे को एक रेड कलर का बेनिलो दिखा था। बेनिलो, बेनिलो क्या था? बलिनो, बलिनो। कैमरे में देख के बोलो एक बार, बलिनो, 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 बलिनो। मैं बार बार बेनिलो बेनिलो बोल रहा था। बेनिलो। और यहाँ पे बानिलो बानिलो बैलिनो बालिनो बैलिनो जो भी बोले, ये करते करते ना दोपहर से शाम कब हो गया था हमको पता ही नहीं चला, बट हमारी फोटो खींचने की जो क्यूरियसिटी था ना वो अब भी बरकरार था, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ था। और इसी वजह से हमको हमारी उम्मीद से बाहर बियॉन्ड फोटोज मिली। आप खुद ही देख लो। आई नो ये फोटोज देख के ना अभी आप में से ज्यादातर 90% लोग कमेंट करेंगे कि लट्स कहाँ है भाई, डिस्क्रिप्शन ढूंढ लिया, कमेंट बॉक्स ढूंढ लिया, लट तूने कहाँ पे रखा है। तो भाई मैं बोलना चाहूंगा कि लट चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, चाहो जल्दी कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, सीरियसली जाओ अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके आओ, समझे? ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा फोटोज आने वाला है। तो मैं पहले लट फ्री में देने वाला था इस वीडियो में, आगे भी देने वाला हूँ, बट मैंने सोचा कि इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा एडिटिंग आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे, आप भी अपने फोटोज को अच्छे से एडिट कर पाओ, क्लाइंट वर्क कर पाओ, शादी में कर पाओ, क्योंकि ये जो एडिटिंग है ना एकदम से बोल सकते हो आपके एडिटिंग स्किल्स में क्रांतिकारी ला सकता है, रेवोल्यूशन ला सकता है।
मैं मजाक नहीं कर रहा। तो आप अगर नहीं चाहते कि आप वो मिस करें तो हमारे चैनल को जरूर से अभी सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि ये जो थोपरा है और ये चैनल है ना ये याद रहे। और मेरे को पता है अभी बहुत सारे लोग स्किप कर दिया होगा वीडियो यहाँ पे क्योंकि लट्स के लिए आया होंगे, और जिन जिन लोगों ने स्किप किया ना माई फ्रेंड वो लोग सबसे बड़ी गलती किया, क्योंकि असली मजा जो है ना वीडियो का इस वीडियो का अभी से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अभी आपके भैया जी ना एंट्री करने वाला है चांदमारी कॉलोनी, या यू कहे तो ट्रेन कॉलोनी। इसको अभी ट्रेन कॉलोनी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इसमें एंट्री करोगे चांदमारी से तो आपके बीच में आएगा एक ट्रेन क्रॉसिंग, और ट्रेन क्रॉसिंग जहाँ पे आए वहाँ पे तो क्या ही बोलना। और इतने में तो आपको समझ ही आ गया होगा कि आपका जो भैया जी है ना, भाई जो भी बोलो, बस कैमरा वाले भैया की कॉपी मत बोलना। तो इतने में तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आपका भैया जी जो है ना चांदमारी कॉलोनी पे आ चुके हैं और अपना दबदबा बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। और सच बोलो यहाँ की जो वाइब थी ना एकदम ही गजब, एकदम ही अलग था, विच आई कैन ओनली एक्सप्रेस इन बी रोल माई फ्रेंड। सीन कुछ ऐसा है, इस बंदे का हमने पोर्ट्रेट लिया था और इस बंदे ने पूछ रहा था कि फोटो कहाँ मिलेगा, तो सैफुर बता रहा है यूट्यूब पे अपलोड होगा। सब्सक्राइब कर दो यार जिसने नहीं किया, कर दो भाई। आज का टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है, फोटोज़ वगैरह हमने सारे क्लिक कर लिया, अभी और दिखाने के लिए कुछ है नहीं, रात भी हो चुका है और हमारा टाइम भी समाप्त हो चुका है। तो अभी जैसे कि देख सकते हो हमने फोटोशूट वगैरह करके बहुत थक चुके हैं यहाँ पे, और फोटोज़ वगैरह तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा, तो यहाँ पे हम अभी घर जाएंगे। इनका जो है ये फर्स्ट वीडियो है, तो आपको अगर पसंद आए ये वीडियो तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है यहाँ पर, सपोर्ट दिखा यार नए बंदे को। और रही बात हमारी, आपको तो बोलने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप लोग इतना प्यार बरसाते हो वीडियो पर, इस तरीके से इस वीडियो को भी लव एंड सपोर्ट देते रहना। मैं भी लोग आपको होता ऐसे और अच्छे वीडियो पर ये भी मिलेंगे और जल्दी वीडियो पोस्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।